नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के साहिबगंज के बड़ी कोदर जन्ना के ग्रामीणों को परिवहन नियोजन आदि की जानकारी दी गई। कालाज्वर और मलेरिया, डेंगू तथा फाइलेरिया से बचाव की जानकारी दी गई। साहिबगंज HSC बाड़ी कोदर जन्ना के मुकदम टोला में बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से ग्रामीणों को परिवहन नियोजन की जानकारी दी गई। ग्रामीणों को परिवहन नियोजन से होने वाले लाभ के बारे में बताया गया। ग्रामीणों को परिवहन नियोजन के अस्थायी तरीके महिला व पुरुष नसबंदी एवं स्थायी विधि अंतराल मालाडी कोपर टी तथा निरोध के बारे में जानकारी देते हुए एक दूसरे को प्रेरित करने की अपील की। साथ ही कार्यक्रम में आई हुई ग्रामीण महिलाओं को बताया गया कि शादी के बाद पहला बच्चा 2 साल के बाद होना चाहिए तथा दूसरा बच्चे के लिए 3 साल का अंतर होना चाहिए। ऐसा करने से बच्चा और जच्चा दोनों मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। वहीं कुछ महिलाओं को गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। मौके पर ANM रूबी कुमारी, जानवी कुमारी, MPW इनमुक हक, सैया हाथी सैया व ग्रामीण मौजूद थे। साहिबगंज जिला संवाददाता मोहम्मद गुलजार की रिपोर्ट। जिसको बच्चा लेना है कि 2 बच्चे हुए और हमको बच्चे लेने हैं, उसमें 3-4 तरह का निकला हुआ है। जैसे अंतरा है, जो इंजेक्शन है जो 3-3 महीने पर लिया जाता है 4 डोज, उसके बाद मालाइन है जो डेली खाना है 1 गोली को, और एक कॉन्डोम है जो यूज करते हैं, और एक इसी पिल्स है जो 72 घंटे में जैसे अचानक किसी को कुछ हो गया, मैंने साथ हो गए उस 20 टैबलेट मिलेगा। और उसके बाद है छाया जो सप्ताह में 1 गोली खाया जाती है। जिनको जो भी यूज करना है परिवार नियोजन के बारे में हम लोग बता रहे हैं, जिनको लेना है ले सकती हैं, और जिनको बंध्याकरण करवाना है तो भी होगा, चल रहा है अभी बंध्याकरण का प्रोग्राम। मैं मोहम्मद इनामुल हक MPW स्वास्थ्य उपकेंद्र बड़ी कोदरना में आज दिनांक 21/12/2022 को परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत बड़ी कोदरना के गांव मुकदम टोला में आज एक कार्यक्रम रखा गया। और इस कार्यक्रम में परिवार नियोजन हेतु ग्रामीणों की महिलाओं के साथ में कार्यक्रम के बारे में बताया जा रहा कि परिवार नियोजन करने से क्या फ़ायदा होता है। ये फायदा गांव में घर घर में पहुंचेगा और लोग को जागरूकता फैलाने का काम करेगा। अब इस प्रोग्राम के तहत सभी को बताया जा रहा है कि आप शादी के बाद अपने बच्चों को किस प्रकार से लेना है, आप शादी के बाद 2 साल के बाद बच्चे को जन्म देना है, और पहला बच्चा के बाद 3 साल होने के बाद ही बच्चों का दूसरा बच्चे को जन्म देना, जिससे बच्चे जच्चा दोनों का सेहत बना रहे और इस तरह से हमारा देश में सर्वांगीण विकास होगा बच्चों का, और घर परिवार और देश का भी विकास होगा। इसके तहत हम लोग बताएं, ग्रामीण महिलाओं को बताएं खासकर कि आप अगर 2 बच्चा हो जाता है तो उसका परमानेंट तरीका से आप बंध्याकरण महिलाओं का अपुरुष का नसबंदी करा करके परिवार नियोजन करा सकते हैं और अपने परिवार को छोटा करके देश हित में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा तरीका, पहला बच्चा और दूसरे बच्चे के बीच में गैप करने के लिए बहुत सारा फिजिकल तरीका बताया गया है, इसके अंतर्गत अंतरा है, बहुत सारे टैबलेट के बारे में बता दिया गया है, कंडोम के यूज के बारे में बता दिया गया है। आज का यही प्रोग्राम रखा गया है और हम लोग हर महीना के 21 तारीख को ये प्रोग्राम करते हैं और हम लोग ग्रामीणों को ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का कोशिश करते हैं।